दशहरे के दिन पंजाब के अमृतसर में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई है। अमृतसर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने 61 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया है कि कम से कम 72 घायलों को अमृतसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में ज्यादातर बिहार और यूपी के लोग हैं। बस 20 शव की पहचान नहीं हो पाई है। और प्रशासन इसके लिए मीडिया से मदद मांगी है। वहीं रेलवे ने कहा है कि अमृतसर में दुर्घटना स्थल के पास दशहरा कार्यक्रम करने की सूचना नहीं दी गई थी और ना ही इसकी रेलवे ने कोई अनुमति दी थी। अधिकारी ने कहा है कि दुर्घटना स्थल के पास लोगों का जमा होना अतिक्रमण का स्पष्ट मामला है। हम आपको बता दें कि कल शाम अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास दशहरे के मौके पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। लोग रेल की पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। तो बता दें आपको यहाँ पे कि लोग रेल की पटरियों पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आई और सैकड़ों लोगों को कुचलती हुई चली गई। रेल पटरी पर खड़े लोगों की ट्रेन चपेट में आने से कम 61 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 72 अन्य लोग घायल हो गए। पीछे रेलवे ने इस हादसे में अपना पल्ला झाड़ लिया है। रेलवे ने कहा है कि रावण दहन कार्यक्रम के लिए रेलवे से कोई भी इजाजत नहीं ली गई थी। आपको बता दें यहाँ पे कि इस तरह की घटना जो हुई है बेहद शर्मनाक घटना है और ये हादसा आपको बता दें उस वक्त हुआ है जब रावण दहन कार्यक्रम के लिए रेलवे से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। रेलवे ने अपने आपको बता दें अपने पक्ष में कहा है कि इस चीज के लिए इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कोई इजाजत नहीं ली गई थी। तो पटाखों के शोर में दब गई थी कहीं ना कहीं ट्रेन की आवाजें और हादसे बता दें आपको ये काफी बड़ा हादसा है और इसमें 150 मीटर के दायरे में लाशें बिखर गई थी। लेकिन रेलवे कहता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं और इस कार्यक्रम के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। तो रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि रेल पटरियों पर लोगों का पुतला दहन देखने के लिए इकट्ठा होना साफ तौर से अतिक्रमण का मामला था और रावण दहन के कार्यक्रम के लिए रेलवे ने मंजूरी नहीं ली गई थी। ट्रैक पर इतनी भीड़ होने के बावजूद आपको बता दें कि ये ट्रेन कब आई और कब तो ये की तरफ से ये कोई रेलवे ने दुर्घटना तो की नहीं है। अब ट्रैक के बगल में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना और रेलवे प्रशासन को कोई सूचना नहीं थी। इस कार्यक्रम की सूचना रहती तो हम पहले से इस तरह के निर्देश जारी करते। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हम सभी लोग मर्माहत हैं। पूरा रेलवे प्रशासन घायलों की मदद में बेहतर से बेहतर क्या इंतजाम कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। भारत सरकार की और भी जो हमारी टीमें हैं वो इस काम में लगी हैं और मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। रेलवे की इसमें गलती नहीं थी क्योंकि ये बेसिकली मेन लाइन है, यहाँ पे ट्रेन फुल स्पीड पे चलती है और उसमें अंधेरा भी था और यहाँ पे हल्का सा वो घुमाव भी है ट्रैक में तो लोग उस ट्रैक पे थे काफी ज्यादा। बता दें यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। तो मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है यहाँ पे।